हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष, जिसके आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनीष चैनल, दिस इज स्विमिंग बाय मनीष, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है जी फ्लिप 3, चेक कर सकते हो, जहर वाला। वैसे ये फीमेल्स के हाथ में ज़्यादा बेटर लगता है, मेल्स मुझे लगता नहीं कि यार यूज़ करेंगे। बाकी कमेंट करके जाना क्या लगता है कि आप इसको यूज़ करने जाओगे। वैसे कलर बहुत प्यारा है, इसमें दो कलर आते हैं, कि ये आता है एक ब्लैक आता है। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, पर क्या लगता है अगर आप यूज़ भी करोगे तो मुझे लगता है आप फोल्ड यूज़ करोगे। ऐसा निकाल के लिपस्टिक लगाने वाली फीलिंग आती है, इसको देख के ना ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ भी इसको निकाल के लिपस्टिक लगाने वाली फीलिंग सी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, जी फ्लिप के ऊपर हम आज वीडियो बनाने वाले हैं, सिंपल सा कंपेरिजन करने वाला, रिव्यू करने वाला, सॉरी सिंपल सा रिव्यू, जिसमें प्राइस, डिस्प्ले, कैमरा, रैम, रनर मेमोरी और बैटरी क्या है, सिंपल कंपेरिजन बस। यदि आपने सारा कुछ जानना है तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। यदि आपने कुछ मेन बात देखनी है तो जैसे मैंने बताया सिम मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ, उतना स्किप करके आप देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। यदि आपने ये चला के देखना है, फील करना है, बदरियाँ पहना वीडियो देख दिया है, तो वो बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हैं। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। पर यदि आप किसी मेल नेम देखना वो भी आ सकता है, जो विश मोस्ट वेलकम सबके लिए। तो चलो फिलहाल हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, बॉक्स में क्या करना है फोन का रिव्यू करते हैं, चलो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जी फ्लिप 3 है, जो कि आपको पता ही है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम फोल्ड में इसकी सारी पोजीशन बता देता हूं मैं। अगर हम बात करते हैं, यहां पे आपको छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि आप देख सकते हो, और यहां पे आपको डबल कैमरा देन फ्लैश देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, तो आपको वॉल्यूम की, रोकर का, अप डाउन का बटन देखने को मिलेगा, पावर लॉक बटन देखने को मिलेगा। लेफ्ट में आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। ये जो आप लाइनें देख रहे हो, ये आपको एंटीना बैंड होते हैं, जो कि नेटवर्क को काफ़ी सोल्ड करते हैं। और हाथ में पकड़ा हुआ ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, इतना मतलब कि होता है ना लंबा सा, तो वो चीज़ नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हाथ में पकड़ा हुआ। पर मुझे ये कलर अच्छा लगा, इसमें ब्लैक कलर भी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगा। अब अगर डाउन की बात करते हैं, डाउन में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाता है, और माइक देखने को मिल जाते हैं तीन, एक सेकेंडरी माइक होगा, एक शायद कैमरे के लिए होगा, और एक आपका नॉइस कैंसलिंग के लिए। अब हम इसको खोलते हैं, ये काफ़ी बढ़िया, ऐसे तो काफ़ी मतलब कि ऑसम लग रहा है ना हाथ में पकड़ा हुआ। अब सपोज करो अगर ऐसे ही यूज़ करना होगा, इसको फोल्ड ना करना हो, तो तब भी काम मेरे ख्याल आई थिंक चलना चाहिए, ऐसा चल ही जाएगा। बस ये है कि फोल्ड में डिस्प्ले थोड़ी सेफ रहती है। हाँ, अगर आपने इसको ऊपर गार्ड जरूर लगवा लेना, जिसको हम बफ गार्ड कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में, प्राइस की बात करते हो तो इसका जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 85,000, मतलब कि 85,000 का ये आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अभी प्री बुकिंग चल रही है, यदि आपने इसको चला के देखना है, बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो ऐसे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अगर सपोज करो ये ऐसे ही हो, फोल्ड ना हो, तो भी काफ़ी बढ़िया। कुछ ऐसा निकाले ना सैमसंग जिसमें ये फोल्ड ना हो, ये ऐसी लुक में थोड़ा अलग लगता है ना। और यहाँ पर डिस्प्ले, फ्रंट कैमरा, फ़ोटो खींचने के लिए ठीक है, चलो इच्छा है, थोड़ा डिफरेंस भी होना चाहिए। तो बात करते हैं अब हम इसके डिस्प्ले साइज़ की। सबसे पहले डिस्प्ले साइज़ की बात करें, 6.7 इंच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और फ्रंट कैमरा आपको पंच होल देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये चेक कर सकते हो। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, तो फ्रंट कैमरा जो आपको 10 मेगापिक्सल का मिल गया। इसको थोड़ा चला के भी देख लेते हैं, तो ये चेक कर सकते हो कि काफ़ी औसम है। और इनके जो कैमरे होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी वाले होते हैं। और अगर हम इसकी साइज को बात करें, तो इसका हम साइज 6 ये कर देते हैं। अब ये फुल हो गया, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और कैसा लग रहा है, रक्षाबंधन सबको मुबारक। वो फोटो खींची गई स्मार्ट गबरू की फ़ोटो खींची गई है। बाकी आप इसमें वीडियो भी शूट कर सकते हो। आपको फ्रंट में क्या क्या मिलता है, सिंगल टेक मिलता है। सिंगल टेक में क्या होता है, कुछ ऐसे शॉट्स आते हैं जो कि आप आसानी से सिंगल टेक करके जो बेस्ट शॉट है, बेस्ट आपको 10 सेकंड की वीडियो बना के दे देगा, मतलब कि काफ़ी बढ़िया रहता है सिंगल शॉट। ये सारे फीचर्स आ जाते हैं, वो तो सही है। अब बैक कैमरा भी थोड़ा देख लेते हैं, और जूम करके देख लेते हैं कितना होता है इसका, जूम कितना रहता है। 10x तक जूम रहता है। जब आप इसको ऐसे यहाँ पे फील करते हो, यहाँ पे थोड़ा सा फील होता है कि हाँ भी इसके बीच में कट है। इसको थोड़ा बंद करके दिखाता हूँ मैं, देख सकते हो कट, आप देख सकते हो हल्का सा फील होता है, वैसे इतना होता नहीं है, पर ऐसे पकड़ा हुआ मुझे ज़्यादा बेटर लगता है फोल्ड से। पर अगर देखा जाए तो बात करते समय अगर बात करनी हो तो ऐसे काफ़ी बेस्ट रहता है। और फोल्ड की जो मतलब कि अगर बात करता हूँ फोल्ड की, तो फोल्ड जो है ना वो आप कहीं यहाँ तक हाई ले, यहाँ तक छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ओ भाई, मतलब कि फोल्ड तो फोल्ड के ऊपर अच्छा सा काम किया है, फ्लिप के ऊपर अच्छा काम किया है। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो,
बल्कि क्या बात है, गेमिंग खेलने में काफ़ी बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। ओए हो क्या बात है, आप चाहते हो इसके ऊपर अगर गेमिंग टेस्ट भी हो तो गेमिंग टेस्ट भी हम कर देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी इसके बटन का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, ये बटन ज़्यादा ऊपर है ना, तो अभी हमें आदत नहीं है इतनी की। तो फ्रेंड्स उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके, ऐसे ओपन में राइट साइड में आपको वॉल्यूम की रोकर दोनों इधर मिल जाते हैं, और ये आपको सिम स्लॉट इधर देखने को मिल जाती है। और अगर बैक की बात करते हो तो बैक में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलती है, इसको बंद करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलती है छोटी सी, ये आप चेक कर सकते हो, ऐसे उल्टी हो जाती है, वैसे चलो ऐसे उल्टी हो जाती है, ऐसे सीधी रहती है। और यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे देखने के लिए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हो म्यूजिक क्या क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग करनी है रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसमें आपने कुछ और ऐड करना है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ क्लिक करके जो भी आपको वेदर ऐड करना है, जो भी आपने ऐड करना है, देन तीन ऑप्शन है, आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बैक कैमरों की, तो जो बैक कैमरा आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 12 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल। ये दो कैमरे ही सारा काम कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहता है कि यहाँ भी कैमरे दो, आप कम कैमरे दो ठीक है, कोई इतना नहीं। यहाँ भी हमने 64 मेगापिक्सल 68 मेगापिक्सल लेना, ऐसे की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रोसेसर रैम ये अपना कैमरा लेंस ये सारे मिलके तब काम करते हैं। अब हम पिक्सल्स बढ़ा देते हैं, लेंस हल्का फुल्का डाल देते हैं, प्रोसेसर हल्का डाल देते हैं, फोटो तो भाई वैसे ही आएगी, एक चीज़ थोड़ी काम करेगी, सारी चीज़ें आपस में मिलके फिर काम करती हैं। अगर सिर्फ कैमरे का रोल कहें तो अकेले कैमरे का रोल नहीं होता, ओवरऑल सारी चीज़ का रोल होता है, तब जाके फोटो अच्छी आती है, डिटेलिंग आती है, वो चीज़ रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके वेरियंट की, वेरियंट इसमें आपको 8 GB मिलेगी रैम और 256 GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन आपको इसका 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और जो कि 5 नैनोमीटर पे काम करेगा, क्योंकि बैटर है इतना नहीं, बहुत अच्छा है गेमिंग के मामले में, सारा कुछ रहने वाला है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी इसकी 3300 mAh की है। चार्जर आपको 25 वोल्ट का मिल जाएगा, पर बॉक्स के इसमें है या नहीं है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की, उसके लिए सॉरी। बाकी आपने इसकी अनबॉक्सिंग देखी होगी, उसमें आपको पता चल ही गया होगा। बाकी अगर बात करते हो तो यहाँ से ये चेक कर सकते हो, डिस्प्ले आपको इतना बल्कि और पर दिख जा दिखने गई, अच्छा निकाल के अगर हम इतनी पोजिशन पर कैमरा चलाते हैं, जो कि ये रहो कैमरा चला दिया, ये हाफ कैमरा चल रहा है, वैसे ये फुली चल रहा है पर इतना ही दिख रहा है, और हम इसको करते हैं फ्रंट कैमरा। तो फ्रेंड्स यो कैमरे को थोड़ा और सीधा करते हैं और थोड़ा मजाक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, हेलो फ्रेंड्स मैं मनी, एंड वाला। तो फ्रेंड्स हो गया मजाक बतेरा, बल्कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना ऐसे, अगर वीडियो शूट करनी हो ऐसे। वो ट्राईपॉड की कैंसिल, ट्राईपॉड की जरूरत ही नहीं, वीडियो शायद थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं, बल्कि ये देखो। तो फ्रेंड्स ट्राईपॉड की कैंसिल जरूरत, ये हमारा छोटा सा ट्राईपॉड है, इसकी जरूरत ही नहीं। अगर हमने लाइव आना है तो इस पर लाइव आने के ज़्यादा बेनिफिट है, लैपटॉप ही बन गया किस्म का छोटा। देखो इसमें कुछ और चला के देखो, ऐसे में चलता है तो जैसे टाइपिंग के लिए गूगल खोल के देखते हैं। ओ भाई ये तो लैपटॉप बन गया, सही है ना, ये देखो छोटा लैपटॉप, वाओ सही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर देना। बाकी मुझे अब ये अच्छा लगा कि हाँ भी ये चीज़ सिस्टम हैगी है, बंदा सामने कोई इधर बैठा या इधर बैठा हो फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करता रहे, ठीक है ना। व्हाट्सअप के लिए ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज है फिलहाल, इसको फीमेल्स मेरे हिसाब से ज़्यादा यूज़ करेंगे, मेल भी यूज़ करेंगे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इतना ये नहीं कि नहीं बढ़िया लग रहा, और जेब में भी डालना काफ़ी आसान है, ठीक है। अगर वजन की बात की जाए तो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, ये आप लगा सकते हो कि जो एक जूस का गिलास है उसके बराबर इसका वजन है छोटे वाला, ठीक है। तो मतलब कि 200 ग्राम इतना है। तो बस ये सिंपल सा कंपैरिजन था, मैंने सारा कुछ इसमें बता दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, थोड़ा फ्रेंकली होकर बनाई है, तो ये आपको फीचर्स छोटे मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपको यहाँ फीचर्स मिल जाते हैं, सॉरी देखो आ गया ना, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको और आगे पीछे भी कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ये सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन है इसमें, रिवर्स चार्जिंग का होगा तो नहीं मेरे हिसाब से, और ये शेयरिंग का है, रिवर्स चार्जिंग का फिलहाल तो नहीं है, पर हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके साथ। चलो एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं तो मैं टैपिंग करने लग जाऊंगा। चलो एंड करें, फिलहाल मैंने इसका जो बहुत सिंपल सा कंपैरिजन किया है, रिव्यू दिया है, जो बड़ा आसान सा सिंपल सा था, पर फील भी काफ़ी ली हमने, जैसे टैपिंग करना, कैमरा चला के बातें करना, जैसे अब आप देखो मैं कुछ ऐसे ही शूट कर रहा हूँ और अब आप आपस में बातें कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये, मुझे आपको डिस्प्ले छोटी दिख रही थी, अब मैं कैसे बोलूँ, अब मैं कैसे बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता।
तो अब आप देख सकते हो मैं कुछ ऐसे शूट कर रहा हूँ, ये बार 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 शो हो रहा होगा, ये कुछ अलग सा शूट किया है। ओके मैं आपको कहूँगा काफ़ी, यदि आपने इसको चला के देखना है और प्री बुकिंग करवानी है, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, वैसे जो मैं बेसिकली वीडियो बनाता हूँ वो 30,000 से नीचे नीचे 60,000 तक फ़ोन बनाता हूँ, फोल्ड और ये इनमें जो हाई लेवल के हो जाते हैं, जैसे कि फोल्ड की वीडियो बनाई उसमें थोड़ा नर्वस था, वीडियो पता नहीं कैसी बननी। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर भाई से कोई गलती होगी तो माफ़ करना, फिलहाल मैंने सारा कुछ बता दिया, रैम प्रोसेसर सारा कुछ बता दिया, बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो।